Hey guys, welcome back to my channel. And again, oiling challenge are requested. So, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए चैलेंज के साथ. ग्रीन बिंदी एंड ग्रीन शांति निहार आंवला तेल. तो ये 80 ml का ऑयल है. तो ये मुझे 80 ml में मिला है. तो 100 ml का बोला था सभी ने, और वन मोर पर्सन हैज आस्क मी टू मेक 80 ml. सो आई गॉट दिस इज 78 ml. सो अगेन आई एम टेकिंग दिस चैलेंज बिकॉज सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू. आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए. तो मैं ये ऑयल का वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन खैर आप लोग व्यूवर्स हैं, जो आप लोग कहेंगे वैसा तो करना ही पड़ेगा. जो रिक्वेस्ट है, इफ़ अगर मैं पूरी कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी. और हेडेक भी है, और किसी भी ऑयल चैलेंज को लेने में 2-3 दिन का गैप देना है, क्योंकि लगातार नहीं कर सकते. कि एक्सेप्ट हेयर ऑयलिंग के, क्या आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो नहीं पसंद आया है, जो मैंने हेयर का रेमेडी या हेयर होममेड शैम्पू बनाया था मैंने, क्या वो आप लोगों को पसंद नहीं है? कुछ लोगों ने मेरे बहुत बहुत ही अच्छे जो व्यूअर हैं रिसेंटली, जिन्होंने मुझे कमेंट के थ्रू, आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, बट आई रिस्पेक्ट यू ऑल. और आप लोगों ने मुझे, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी पे हमारा राइट समझ के हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ. आई रियली इन्जॉय कि मैं, और मुझे तो मैंने कई बार कहा अच्छी बात है मेरे वाले, लेकिन अच्छा होता है कि कुछ और भी आप मेरा देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी. एंड जो आप देखेंगे तो एक मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, और नेचुरली ग्रोथ तो होगी. बट नेवर माइंड, ये तो मैं करूँगी, मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि इसी बहाने मेरे बालों की जो चंपी हो जाती है. तो चलिए बिना कुछ देर किए जल्दी से शुरू करते हैं. दिस इज फॉर यू. तो दिस होल ऑयल आई एम गोइंग टू पोर ऑन माय हेड. काले घने और लंबे बाल डाबर आंवला के, इस तरह शांति निहार आंवला है. सी जल्दी, मुझे लग रहा है मुझे 200 ml वाला भी बनाना पड़ेगा. आप सबको वो देखने में ज्यादा आया मजा आता है. सी एकदम चला जाएगा ये. बाल भी कह रहे होंगे भिगा लो हमें, तुम भिगा लो. इस पॉइंट पे लगाना बहुत जरूरी है. इसको पूरे खोल देते हैं फाइनली. तो ये देखिए, तेल उसमें भी नहीं था इतना, पर और सबसे मेन बात है मुझे खुशबू नहीं आती है.
और उसका बेनिफिट ये होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर पे क्या है। कभी कभी मैं घी भी लगाती हूँ, देसी घी, वो भी आप लोगों के मदर स्टाइल। मेरी मदर जो थे, जब कभी ऐसा होता है ना, कभी कहते हैं कि दिमाग की कमजोर, मतलब दिमाग ऐसा कुछ, सिर ज़्यादा दुखता है, तो वो देसी घी दबाती थी सिर के ऊपर, मतलब दबाना बोलते हैं हमारे, ठोक ऐसे रख कर, तो बहुत ही रिलीफ मिलता था उससे भी। लेकिन जब मैं लगा लेती हूँ तो कुछ लोगों को वो स्मेल करता है, तो लेकिन मुझे तो नहीं करता है। सो अगर आप लोग मेरे कुछ और वीडियोस देखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ये तो मैं आपके लिए कर ही रही हूँ, और अगर आप और अच्छा सजेशन करेंगे और देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वो चली गई है, सो आफ्टर दिस वीडियो ये मुझे आज टॉवल से करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो ऐसा हो गया है कि तेल से धुल गए हैं मेरे बाल। देख रहे हैं कोई इनमें वेरी इजीली ये जा रहे हैं, और पीछे से तेल की छींटे आ रहे हैं। ओह माय गुडनेस, यानी ये तेल तो बहेगा सिर से, मेरे पूरे कपड़ों पे छींटे आ गए हैं इसके, इसको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा बालों में अच्छे से। पूरी गर्दन में देखिए बाल ही बह रहे होंगे, तेल ही बह रहा होगा ये। ये तो आज तेल में स्नान हो गया है। सो आई एम मेकिंग दिस, ओह माय गॉड, ये तो बहुत आज गीला है, और इसमें तेल जो है वो बहुत बहेगा। सो ये मैंने बना ली है थोड़ी टाइट चोटी, तेल भी यहाँ बह रहा है। तो होप सो कि वीडियो पसंद आया होगा एज पर योर विश, और वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देंगे। इट बी वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा ज़्यादा तो 580 से ऊपर भी तो उठो यार, रुक गए वहीं पर। और फिर लेती हूँ एक दो दिन बाद ऑयलिंग का चैलेंज, आफ्टर 2 डेज मे बी ऑन फ्राइडे। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और ये देखिए ऑयल की आज मालिश हो गई है पूरी पूरी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।